एक लड़का अपनी प्रेमिका दे नाल खेतां विच कर रहा सी गंदियां हरकतां। उपरों जदों लड़की दी भैण पहुंची तां फिर वेखो दोहां दा की हाल होया। दरअसल एक पिंड तों खबर आई है, दस्सिया जा रहा कि एक लड़के दा किसी लड़की दे नाल कोई चक्कर सी। और जे चक्कर दी गल करिए ते मतलब तुहानू पता ही है जिहदे हालात किस तरह दे ने, चेहरे कुछ होर ने लेकिन अंदरों कुछ होर ने लोग जिहड़े ने। और कितें ना कितें इस लड़की दा इस लड़के दे नाल प्यार मुहब्बत हो गया और उस तो बाद घर दीआं बंदिशां सी, लेकिन जदों इस तरह स्टैप लड़की चक लैंदी आ तां फिर बंदिशां उहनां नूं की करदियां ने, कुछ भी नहीं। और ना ही फिर उहनां नूं इह फिक्र हुंदा है कि किते साडे घर दे है, माता पिता है। दोस्तों ज़रा सोचो, जिहड़े माँ बाप अपने पूरे विश्वास दे नाल लड़के लड़कियां नूं बाहर भेजदे ने, मतलब किसे कम कार ते भेजदे ने, जदों उहनां दी सोच तों बिल्कुल उल्ट लड़के लड़कियां निकलदे ने तां उहनां दा दिल किस तरह मतलब मजबूर होएगा। और फिर जदों लड़के लड़कियां नूं वो माँ बाप घर दे विच बंद रखते हैं कि नहीं तुसी काम ते नहीं जाना, आराम ना घर बैठो, फिर वो मतलब गल ये कहते हैं कि साढ़े ते अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, साड़ी आज़ादी ते प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, जबकि अजिहा कदे नहीं हुंदा। लेकिन दोस्तों सवाल हुण इत्थे ये भी पैदा हुंदा है कि जदों लड़कियां नूं जां लड़कियां नूं आपां आज़ादी दे दिंदे आ तां वो आज़ादी का गलत फायदा चुकदे ने, और जदों उसका सीधे दा सीधा जिहड़ा असर है उसकी निजी जिंदगी ते हुंदा है। और ब्याह तो बाद जदों लड़की की शादी हुंदी है वो हरकतां जिहड़ियां फिर वो लड़की की हुंदी है, लड़के की शादी हुंदी है, लेकिन वो हरकतां माड़ियां पईयां हुंदियां ने, वो फिर बाज़ नहीं आउंदियां। लेकिन जरूरी नहीं हुंदा कि पंजे उंगलां बराबर ने, साडे समाज दे विच बहुत सारियां साडियां धीआं भैणां वीर अजिहे बच्चे ने जिन्हां दी असीं उदाहरणां भी दिंदे आ, जिहड़े कि सचमुच अज भी अपने माता पिता की इज्जत नूं बरकरार रखदे ने और किसी भी तरह का कोई भी दाग उन्हां दी इज्जत ते लगण नहीं दिंदे। पर अज जिहड़ी गल कर रहे हैं कि उसदी जदों भैण ने आके सारा कुछ अपने अखीं वेख्या तां उह हक्की बक्की रह गई, क्योंकि लड़की ये दस के घरों आई सीगी कि मैं अपनी सहेली दे घर पढ़न वास्ते जा रही हाँ, पर उन्होंने पहला ही मोबाइल ते सारा टाइम फिक्स किया होया सी। और जदों वो पहुंची तो फिर की होया ये मतलब तुसी इस वायरल वीडियो विच भी वेख सकते हो। हुण दो गल्लां सामने आउंदियां ने कि लड़की लड़का किस हालत विच सी, जदों लड़की दी भैण आई तां उस वेलां उसने की कीता, उसने बकायदा तौर ते उन्हां दा विरोध कीता कि तू तां मैनूं कहिंदी सी कि मैं अपनी सहेली दे कोल पढ़न जा रही हाँ पर तू इत्थे किस दे नाल खेह खा रही हाँ, तैनूं पता नहीं है घरदियां दी किन्नी इज्जत है, और आपां दो भैणां ने और लोग तां पहलां ही साडे वल घूर घूर के वेखदे रहिंदे ने कि ये दोनों ही भैणां ने और मतलब तरह तरह के काम करदियां ने, कदे कितें जांदियां ने कदे किते जांदियां ने, असी काम कार दी तलाश विच जांदियां आ, पर तू ये जिहड़ी नवीं करतूत कीती है ना इस दे नाल किते ना किते माँ बाप नूं भी शर्म दे नाल सिर चुकाउणा पएगा। उस लड़की नूं समझाया बुझाया और उस लड़की दे पल्ले गल पै गई। उसने उस वेलां ही लड़के नूं कहता कि ठीक है, अज तो पहला जो हो गया सो हो गया, अज मेरी भैण ने मेरियां अखां खोल दित्तियां, सचमुच अखां खोल दित्तियां, किते ना किते मेरी अकल ते पर्दा पिया होया सी। लेकिन उस तो बाद उसने अपनी भैण नूं कहा कि ठीक है दीदी, मेरे कोले बहुत वड्डी गलती हुई है, लेकिन मेरी ये जिंदगी दी आखिरी गलती है, इस तो बाद कोई भी अजिही गलती नहीं होवेगी जिस दे नाल साडी समाज दे विच माता पिता दा सिर नीवा होवे। और दोनों ने बड़ी समझदारी दे नाल, गरीब बाप दीआं बच्चियां सन, क्योंकि गरीब दे घर जदों कोई धी जवान हुंदी है ते आंढ गुआंढ दे विच पूरे पिंड दे विच उन्हां दी खूबसूरती उन्हां दी जवानी दे चर्चे हुंदे ने, पर असी सैल्यूट करदे हां इन्हां दोहां बच्चियां नूं जिन्हां ने माँ बाप दी इज्जत नूं बरकरार रखदिया होया जिंदगी दे विच ओह करके दिखाया जिस दी आपां नूं कदे भी अजिहे लोकां तों मतलब जिस दी कदे भी सानूं उम्मीद नहीं सी। इस करके कहिंदे आ ना कि धीआं घर दा शिंगार हुंदियां ने, विहड़े दी रौनक हुंदी। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन अते शरीर विच किसे भी किस्म दी दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनियां कई बीमारियां दा इक्को एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं,
वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री लीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री लीफ पावर, कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।